जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 2 दिसंबर को जो रीजनिंग के प्रश्न ऑल शिफ्ट के अंदर पूछे गए हैं, कुछ हमारे पास में प्रश्न आए और कुछ कल के भी प्रश्न हैं दोस्तों। इसके लिए हमने जो 1 दिसंबर का वो वीडियो अपडेट नहीं किया था, जो भी हमारे पास में प्रश्न आते हैं, तो आज हम 15 प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। किस प्रकार से पूछे गए वो आपके रेलवे ग्रुप डी के साथ साथ में, और दोस्तों RPF, SI और कॉन्स्टेबल के भी बहुत ही काम आने वाला। और जिसके मैं बता देता हूँ, ये वीडियो शुरू से एंड तक जरूर देखें, मैं पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा। और चैनल पर पहली बार है दोस्तों, नीचे आपको एक लाल बटन मिले, वहां से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लीजिए, जो आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चले दोस्तों, देर ना करते हुए इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए उनका मैं सॉल्यूशन भी करूंगा, और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इस प्रकार से प्रश्न भी जैसे जैसे हमारे पास मिलेंगे मैं उनका सॉल्यूशन करवाता रहूंगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, एक सार्थक क्रम के बारे में पूछा गया कि आपको, देखिए दोस्तों, सबसे पहले होता है आदमी के अंदर जन्म होता है। सबसे पहले क्या होता है? आपका जन्म होगा। क्या होगा? जन्म। उसके बाद में दोस्तों, जन्म के बाद में आपकी शिक्षा होगी, यानी 2 नंबर आएगा। उसके बाद में आपका विवाह होगा, उसके बाद में आपकी मृत्यु होगी, उसके बाद में जो चिता, उसे राख कहते हैं। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर सही आंसर होगा। अब ये प्रश्न दोस्तों तीनों पारियों में अलग अलग प्रश्न पूछे गए, एक में पारी के नहीं शिफ्ट कर रहा हूँ, तीनों शिफ्टों की बात कर रहा हूँ। किसी के अंदर ये 2 पूछा तो किसी के अंदर 3 पूछा, जिसमें अलग आपको बताना है। देखिए, शेर, चीता, मछली और गाय, इसमें बिल्कुल हो जाएगा, मछली जल के अंदर रहती है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, मछली हो जाएगा। वही बात करते हैं काला, सफेद, रंग और लाल, तो इसमें भी आपका लाल होगा, सॉरी रंग होगा, क्योंकि ये बाकी सभी रंगों की प्रकार है। चलिए, 15, 21 और 24 और 28 दोस्तों, इसमें आपकी बहुत ही अच्छी जो रीडिंग है, इसमें 3 का भाग जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें 3 का नहीं, इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा, तो इसका ये सही होगा। वही दोस्तों 5 नंबर की बात करते हैं, यहाँ इस प्रश्न का आप हमें कमेंट के रूप में आंसर जरूर बताएं दोस्तों, तो इसका आप हमें कमेंट के रूप में आंसर जरूर बताएं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ देखिए, 661, 551, 632 और 74। दोस्तों इस प्रश्न में आपको क्या करना है कि आप देखिए, इन चारों को जोड़ना है, 6, 6, 12 और 13, 5, 5, 10 और 11, 6, 3, 9, 11 और 7, 4, 11। तो इसमें क्या हो रहा है, बाकी सबों का योग 11 हो रहा है, इसका 11 नहीं हो रहा है। दोस्तों छोटा है, ज्यादा मैं वीडियो लंबा नहीं बनाऊंगा, तो एक बार इसे पूरा देख लीजिए। उसके बाद में ये प्रश्न दोस्तों है जो बहुत बार पूछा है, जूता चमड़े से, ईंट किससे बनेगा? दोस्तों मिट्टी से बनेगा। और दस्ताने हाथ में, टोपी, टोपी कहाँ पहनते हैं दोस्तों? सिर में पहना जाता है। छाता, वर्ष जो बारिश होती है उस समय हम छाता यूज करते हैं। और कोट का यूज है दोस्तों सर्दी के समय, हम करते किसके समय करते हैं? कोट का यूज सर्दी के समय, तो आपका सही आंसर हो जाएगा। वही दोस्तों 10 नंबर प्रश्न की बात करें, देखिए 2 बीच में आ रहा है, और देखिए इन दोनों की ये 7 है, 9 नहीं है, ये थोड़ा है, तो ये क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा, तो 4 बीच में आ जाएगा दोस्तों, एक क्या आ जाएगा? 7, 147। आपका सही आंसर 147। दोस्तों आपको एक नीचे लिंक मिलेगा, एक न्यू चैनल है, वहाँ से गवर्नमेंट जॉब के बारे में नोटिफिकेशन और रीजनिंग के कुछ टॉपिक है, कुछ भी हमारा दोनों ये एक न्यू चैनल क्रिएट किया, क्योंकि उस पर बच्चों पर नोटिफिकेशन नहीं पहुँच रहे। अगर हम वीडियो डेली की अपडेट करें, तो उसके लिए हमने गवर्नमेंट जॉब के लिए वाईफाई एजुकेशन अब ब्लॉग बनाया, तो उसे आप सब्सक्राइब कर, नीचे लिंक ले जाएगा आराम से, वहाँ से आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब ये प्रश्न है दोस्तों, इसमें जिस देखिए 3/4 / 27/16 / 4/5। देखिए 3 का क्यूब और 4 का स्क्वायर, तो ये 4 का क्यूब 64 और 5 का स्क्वायर 25, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 64/25। अब ये प्रश्न दोस्तों आपके बहुत बार पूछा गया है, ये दोनों प्रश्न 12 और 13 प्रश्न। एक धूप में एक कमीज 1 घंटे में सूखता है, यानी एक कमीज 1 घंटे के अंदर सूखता है, तो 15 कमीज कितने सूखेंगे? तो एक ही इसमें जो घंटा लगेगा, एक ही घंटा लगेगा, तो वो लगेगा 7। ये दोस्तों एक वस्तु है कोई भी, जैसे एक धूप एक समान होती है, तो 1 घंटे में 100 सूखा है तो भी 1 घंटे में सूखेगा, और 1 कमीज सूखेगा तो भी 1 घंटे में सूखेगा। तो इसका आंसर 64 है। अगर आपके सुझाव और है तो आप हमें कमेंट के रूप में जरूर बताएं। अब दोस्तों 13 नंबर है, इसमें क्या करना? देखिए जो भी इसके बीच में सिंगे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, अब इसको क्या कर लो, काउंट कर लो, 5 और 6, 6 और 4, 10, 10 और 3, 13, 13 और 15, तो इसका सही आंसर कर देगा 15। कोई पेन टच करने की जरूरत नहीं, सीधा आपका सही आंसर हो जाएगा। और इस प्रश्न के बारे में तो आपको कुछ कहना ही जरूरत नहीं है, तो इसका आप हमें कमेंट ग्रुप में आंसर जरूर बताएं दोस्तों, इसका सही आंसर क्या रहेगा। चलिए उसके बाद में ये प्रश्न है कि 15 जनवरी AD
ए डी एक एडी को कौन सा वर्ष है यानी जो सन शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों ये प्रश्न आपके प्रत्येक एग्जाम के अंदर पूछा गया, तो उसका देखिए तो 1 जनवरी को हमेशा सोमवार होता। अब एडी को पूछा जब से शुरुआत हुआ उसका वार कौन सा होगा, दोस्तों जनवरी माह होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो अच्छे लाइक कर दीजिए दोस्तों, शेयर जरूर कर दीजिए, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू सो मच, नई वीडियो फिर मिलते हैं, जय हिंद, धन्यवाद।